आर्मी के एक जवान ने कश्मीर में एक लड़की का रेप कर दिया। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आर्मी के ऊपर लोग सवाल उठाने लगे, बिना सच जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जाने बिना लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। हे गाइस, दिस इज अश्विन पटेल एंड यू आर वाचिंग जी चिल्स। और आज हम बात करने वाले हैं आर्मी मैन रणजीत सिंह की सच्चाई के बारे में। इंडियन आर्मी मैन रणजीत सिंह एक सिख नौजवान थे जिनके ऊपर एक लड़की का रेप और एक नागरिक की हत्या का आरोप था। सबसे पहले रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। उसके 2 साल बाद टैंक पर गनर के तौर पर सिलेक्ट हुए और उसके थोड़े दिनों के बाद राष्ट्रीय राइफल्स के लिए सिलेक्ट हुए, जिसके लिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी हुई और वहां पर उनको बेस्ट स्टूडेंट का खिताब भी मिला। उसके बाद रणजीत ने कश्मीर में अपनी यूनिट के कंपनी ऑपरेटिंग बेस को ज्वाइन किया, जहां का शेड्यूल और सिचुएशन आर्मी की टफ ट्रेनिंग से भी बहुत टफ था। यहां पर कभी कभी 24 से 72 घंटे की ड्यूटी होती थी और मुश्किल से 5 घंटे सोना मिलता था। ऐसे यूनिट का एक खास काम वहां के लोकल लोगों से मिलकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना भी होता है। रणजीत भी गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने लगे और उनके सोर्सेज के इंफॉर्मेशन के आधार पर कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी हुए। इसी काम के दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। लव एट फर्स्ट साइट, दोनों तरफ से, एक सिख नौजवान और एक सुंदर कश्मीरी लड़की। सिलसिला आगे बढ़ता गया। एक तरफ सेना का डिसिप्लिन था और दूसरी तरफ अलग अलग धर्म और संस्कृति थी। बाहर समाज का पहरा था और बैकग्राउंड में चल रहा वॉर। व्हाट अ सिचुएशन। ऊपर वाले ने जैसे रणजीत को लिख के दे दिया था कि भाई आप बड़े ही स्ट्रांग हो, आपको जिंदगी भर ट्रेनिंग में, करियर में, लव लाइफ में ऐसे टफ टास्क ही मिलते रहेंगे। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में मिलना नामुमकिन था और लड़की की पढ़ाई भी चल रही थी। तो फिर दोनों के बीच में एक ही मीडियम था, मोबाइल फोन। दोनों घंटों तक बातें करते थे और इन बातों की वजह से रणजीत को जो मुश्किल से 5 घंटे सोने मिलता था वो भी छोड़ना पड़ता था। इस बार जब रणजीत छुट्टियों से वापिस आए तो अपने महबूबा के लिए एक अंगूठी लेकर आए थे। सब सही चल रहा था। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ये ड्यूटी 2 साल के लिए ही होती है, उसके बाद दूसरी जगह पर पोस्टिंग हो जाती है। रणजीत ने वॉलंटियरली 6 महीने बढ़ा दिए, लेकिन अब वो 6 महीने भी पूरे हो चुके थे और नई पोस्टिंग भी आ चुकी थी। और अब कश्मीर को छोड़कर जाने का टाइम आ गया था, अपने प्यार को छोड़कर जाने का टाइम आ गया था। नई पोस्टिंग में सिर्फ एक ही दिन बचा था और आज उनको कोई ड्यूटी नहीं दी गई थी क्योंकि पैकिंग वगैरह करना होता है कल के लिए, लेकिन कैंप से बाहर जाना अलाउ नहीं था। रणजीत ने देखा कि एक पेट्रोलिंग की टीम पैदल बाहर जा रही है। वो उस टीम के पीछे लगकर कैंप से बाहर निकल गए और जब उस लड़की का गांव आया वो अपनी टीम से अलग होकर एक उज्जड़ मकान के पास पहुंचे। रणजीत अपनी यूनिफॉर्म में थे, सभी हथियारों के साथ, और इसी जगह पर उन्होंने अपनी महबूबा को मिलने के लिए बुलाया था। आखिरी बार, लास्ट मीटिंग। दोनों को पता था कि ये मीटिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अलग होने से पहले एक आखिरी बार मिलना जरूरी क्यों होता है कि आप, मैं, हम सब अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों मिले, दोनों की आंखों में नमी थी। रणजीत ने उस लड़की से वादा किया कि वो लौट कर जरूर आएंगे और उसे शादी कर अपने गांव ले जाएंगे। दोनों ने साथ में रहने की कस्में खाई, दोनों ने जी भर कर रो भी लिया। लेकिन वो लोग जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सामने गुस्से से भरी एक भीड़ खड़ी है। भीड़ ने रणजीत को घेर लिया और धक्का मारने लगे और सब लोग चिल्लाने लगे कि रणजीत ने उस लड़की का बलात्कार किया है। रणजीत ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। लेकिन भीड़ किसे कहते हैं, वो भी गुस्से से भरी। पता नहीं किसी ने रणजीत की बात सुनी भी होगी या नहीं। भीड़ रणजीत के नजदीक आने लगी उसको मारने के लिए। रणजीत ने अपनी गन हाथ में लेकर सबको चेतावनी भी दी, लेकिन फिर भी एक आदमी ने रणजीत के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर ही दिया। डिफेंस में रणजीत ने फायर किया और वो गोली लगी सीधी उस आदमी को, वो आदमी वहीं पर मर गया। भीड़ इधर उधर होने लगी और रणजीत वहां से निकल गए, लेकिन वो थोड़े ही दूर पहुंचे थे कि सामने से आने वाली दूसरी भीड़ ने उनको घेर लिया। रणजीत सैकड़ों लोगों के बीच में अकेले थे, लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, लोग उनकी जान लेने पर आ चुके थे। रणजीत के पास एक गन और ग्रेनेड था, लेकिन अगर ग्रेनेड यूज करते तो बहुत लोग मर जाते। और इसी दौरान रणजीत की नजर अपनी प्रेमिका के ऊपर पड़ी जो लोगों की भीड़ में तड़फड़ा रही थी। दोनों की नजर से नजर मिली, दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रणजीत ने अपनी गन निकाली और अपने मस्तक पर रखकर गोली चला दी।
और उसके बाद पूरे देश में ये खबर फैल गई कि रंजीत ने एक लड़की का बलात्कार किया, एक आदमी को मार दिया और फिर उसके बाद सुसाइड कर लिया। उसके बाद लोगों ने इंडियन आर्मी के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की, इंडियन आर्मी का बहुत अपमान हुआ, लोगों ने बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ छापा। उसके बाद पुलिस कार्यवाही हुई और लड़की के फोन से सारी कॉल डिटेल्स मिली। लड़की ने पूरे गांव के बीच में, सेना और पुलिस के बीच में सारी बात सुनाई। उसके बाद लोगों ने सच्चाई को समझा और माना, लेकिन अब क्या फायदा, जाने वाला तो जा चुका था। लोग कहते हैं कि आत्महत्या कायर करते हैं, लेकिन सेना के अधिकारी अच्छे से जानते थे कि रंजीत ने शहादत क्यों दी थी। सेना ने रंजीत सिंह को किल्ड इन एक्शन माना, जिसने कई लोगों की जान लेने की जगह अपनी जान देकर शौर्य बनाए रखा। सेना ने उस लड़की को अपने संरक्षण में लिया और पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली। तो ये थी पूरी सच्चाई। ओके, देन आज की बात यही तक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।